जो है अनजान, रहस्यमयी कहानी, उसकी मुस्कान में छिपा है कोई राज, जो बयां नहीं होता किसी भाषा में। क्या उसकी आंखों में छिपा है कोई राज? क्या वे देखती है, क्या सोचती है? यह सवाल है या सालों का राज, कोई न जाने क्यों, कौन समझे उसकी कहानी को, एक चित्र में छिपी उसकी पूरी कहानी। जितना भी ध्यान से देखो, कुछ नया लगता है हर बार। क्या ये कहानी है? चित्रकला की इस अद्भुत कृति को देख हर रोज कुछ नया जानने की हो जिज्ञासा। मोनालिसा, तेरी रहस्यमयी मुस्कान को कैसे समझे? नमस्कार, स्वागत है आप सबका जीवीएन 24 पर। मैं हूं आपके साथ तनिषा भारद्वाज। आइए आज आपके सामने खोलते हैं मोनालिसा की कहानी के कुछ गहरे छिपे राज। स्वागत है आप सबका अनटोल्ड स्टोरीज। मोनालिसा की कहानी एक अत्यंत रोमांचक और रहस्यमयी कहानी। लियोनार्डो द विंची द्वारा 16वीं सदी में बनाई गई पेंटिंग के चेहरे की गहराई और उसकी मुस्कान ने लोगों का मन मोह लिया। इस कारण से विश्व की सबसे प्रसिद्ध स्माइल कहा जाता है मोनालिसा। मोनालिसा की कहानी उसके रहस्यमय चेहरे के पीछे की रहस्यमय कहानी को दर्शाती है, जो आज भी लोगों को आकर्षित करती है। इस कहानी में समृद्धि, सौंदर्य, जो हमें इस आदित्य कला के लिए प्रेरित और आकर्षित करता है। मोनालिसा को दुनिया की सबसे रहस्यमय, महंगी और चर्चित पेंटिंग माना जाता है। इस पेंटिंग के बारे में अब तक सबसे ज्यादा लिखा, पढ़ा और रिसर्च की जा चुकी है। यह पेंटिंग 1503 में बनाना शुरू की गई थी और 14 साल बाद ये पेंटिंग बनकर तैयार। मोनालिसा, जिन्हें विंची की आत्मकथा नामित किया गया है, इतिहास के रहस्यमय चेहरा है। यह विश्व की सबसे प्रसिद्ध चित्रकला है, जिसकी सुंदरता और रहस्य ने कलाकारों, वैज्ञानिकों और दर्शकों को चौंका दिया है। हाल ही में इतिहासकारों ने मोनालिसा के चेहरे के पीछे छुपी गहरी कहानी का खुलासा किया है। नए रिसर्च के अनुसार चित्रकला का निर्माण विंची द्वारा 1503 में किया गया था। मोनालिसा के चेहरे के पीछे छिपे रहस्य ने वैज्ञानिकों, कलाकारों और इतिहासकारों को हमेशा से चुनौती दी। कई रिसर्च ने इस चित्र पर अद्वितीय अध्ययन किए हैं, लेकिन उन्हें मोनालिसा के रहस्य का पूरी तरह से समाधान नहीं मिला। मोनालिसा की मुस्कान और आंखों की गहराई से जुड़े विभिन्न सिद्धांत और रहस्य बने। एक सिद्धांत के अनुसार मोनालिसा की मुस्कान उसके अद्वितीय और संवेदनशील व्यक्तित्व को प्रकट करती है, जबकि दूसरे सिद्धांत कहते हैं कि यह उसके चेहरे के लालक रोग के चलते हो सकती है। आप में से कई लोगों ने इटली के महान दार्शनिक और पेंटर लियोनार्डो द विंची के बारे में जरूर सुना होगा। यूरोपीय पुनर्जागरण काल में कई महान दार्शनिक हुए, जिनमें से वे एक थे। इनके द्वारा बनाई गई पेंटिंग मोनालिसा आज भी एक मिस्ट्री बनी हुई है। आखिर इस पेंटिंग में ऐसा क्या है जिसको लेकर कई विशेषज्ञ इसमें काफी खोजबीन कर रहे हैं? तो आइए जानते हैं इस पेंटिंग का रहस्य सिर्फ और सिर्फ अनटोल्ड स्टोरीज। इसी सिलसिले में आज हम इस पेंटिंग के रहस्य को जानने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि इस पेंटिंग की कीमत $870 मिलियन है, जिसकी वैल्यू भारत में करीब 6,400 करोड़ रुपए है। लियोनार्डो द विंची ने इस पेंटिंग को साल 1503 में बनाना शुरू किया था। साल 1517 तक आते आते उन्होंने इस पेंटिंग को बनाना जारी रखा। लियोनार्डो ने सबसे ज्यादा दिक्कत मोनालिसा के होठो को बनाने में आई। मोनालिसा के सिर्फ होठ को बनाने में उन्होंने करीब 12 साल लगा दिए। मोनालिसा की पेंटिंग का सबसे बड़ा रहस्य उसकी मुस्कान है। पिछले लंबे समय से कई विशेषज्ञ उसकी रहस्यमयी मुस्कान का अध्ययन कर रहे हैं। मोनालिसा की रहस्यमयी मुस्कान अलग अलग एंगल से देखने पर अलग अलग दिखती है। अगर आप किसी एक एंगल से देख रहे हैं तो ये मुस्कान हंसती हुई दिखेगी, वहीं दूसरे एंगल से देखने पर उसकी मुस्कान फीकी पड़ जाती है। साल 2000 में हार्वर्ड के एक न्यूरोसाइंटिस्ट ने मोनालिसा की इस पेंटिंग पर रिसर्च करने के बाद ये बताया कि मोनालिसा की मुस्कान कभी भी नहीं बदलती, बल्कि आपका माइंडसेट जैसा रहता है वैसा ही मोनालिसा की पेंटिंग आपको दिखती है। अगर आप खुश हैं तो आपको मोनालिसा मुस्कुराते हुए दिखेगी, वहीं अगर आप दुखी हैं तो मोनालिसा की ये मुस्कान फीकी पड़ जाएगी। हालांकि आज भी इस बात का पता नहीं लग पाया कि मोनालिसा कौन थी,
अर्थात जिस लड़की की तस्वीर को लियानो ने बनाया था वो लड़की भी इस पेंटिंग की तरह गुमनाम है, यानी एक रहस्य है। एक थ्योरी का ये कहना है कि मोनालिसा कोई और नहीं बल्कि खुद लियानो थे। इस पेंटिंग में लियानो ने खुद को एक औरत के रूप में बनाया था। ये अब तक की सबसे कीमती पेंटिंग है। मोनालिसा की प्राचीनता उसकी मुस्कान और उसकी अद्वितीय नजर कलाकारों, वैज्ञानिकों और साहित्य को प्रेरित करती है। मोनालिसा का चित्र विश्व की शिखर पर एक कला माना जाता है। इसकी रहस्यमय आकर्षण और अद्वितीयता अब भी लोगों को मोहित करती है। तो ये था हमारी अनटोल्ड स्टोरी का एक गहरा सच। आगे ऐसी और स्टोरीज को देखने के लिए बने रहिए अनटोल्ड स्टोरीज के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए।